गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पूरा फर्स्ट बुक इसी इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आपको ठीक से समझ में आ जा रही है तो बहुत सारे पार्ट्स आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट एंड यूनिट फर्स्ट एंड टॉपिक फर्स्ट, विच इज नेम्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। सो फर्स्टली पहला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि सर व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टॉपिक आप नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ में। सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। सो बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि इससे आगे हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? क्या कोई मटेरियल है या कोई बिहेवियर है? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एक मटेरियल का बिहेवियर है, कोई मटेरियल नहीं है, ये किसी मटेरियल का बिहेवियर है। और ये कब डेवलप होता है और कब डेवलप नहीं होता है ये मालूम होना जरूरी है। तो सिंपली वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which it can exert or experience electric and magnetic effect, we can call electric charge. So simply we can define the property of material by which it can exert and experience electric and magnetic effect. This is a very simple definition. कि एक मटेरियल की बिहेवियर है जिसके अंदर दो बिहेवियर हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपली अब इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इट इज अ बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी कि ये मटेरियल का बिहेवियर है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? एक मटेरियल का बिहेवियर है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम इसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज, वन मोर थिंग, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई रिपीट, याद रखेंगे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम पूरे एंटायर यूनिट में जो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट हम लेकर चलेंगे उसको हम कोट करेंगे इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्जेस होते हैं जिसको हम क्वार्क बोलते हैं, बट आपके लेवल 12th में हम ये मानकर चलेंगे कि द चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। सो गोइंग टू डिस्कस, नोट कर लिया होगा आपने? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, देयर आर टू टाइप ऑफ
charges we had, which one? First positive and second negative. आपको पता है इंट्रो में बताया जा चुका है कि विट्रस, इसका स्टार्टिंग में जो नेम लिया गया था उसको बोला गया था विट्रस, जो इसका ग्रीक वर्ड है विट्रस, और इसको बोला गया था फर्स्ट टाइम रेजिनस. तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम प्रेजेंट में क्या मानकर चलेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सेकेंड बिहेवियर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. यानी कि लाइक चार्जेस का मतलब ये है कि प्लस प्लस के अगर दो चार्जेस लेते हैं, वी हैव टेकन द पेयर ऑफ द सेम चार्जेस, सो इसके बीच में ये चार्जेस इसको रिपेल करेगा और ये चार्जेस इसको रिपेल करेगा. अगर मैं माइनस का चार्ज लेता हूं और ये भी माइनस का लेता हूं, तब भी इसके अंदर क्या होगा, रिपल्सन प्रोसेस होगी. यानी कि ये लाइक चार्जेस किस तरह के फोर्सेस को दिखाएगा, तो याद रखेंगे आउटवर्ड फोर्सेस, आई रिपीट आउटवर्ड फोर्सेस शोइंग द फोर्स ऑफ रिपल्सन. याद रखेंगे आउटवर्ड फोर्सेस इज अ रिपल्सन, आउटवर्ड फोर्सेस इज रिपल्सन, आउटवर्ड फोर्सेस इज रिपल्सन. ओके क्लियर. ओके अब अनलाइक चार्जेस को देखें. सो अनलाइक चार्जेस में इफ वी हैव टेकन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो इसके बीच में ये चार्जेस चाहेगा इसको अपनी ओर खींचने के लिए और ये चार्जेस चाहेगा इसको अपनी ओर खींचने के लिए, राइट. तो ये चार्जेस अगर ये माइनस का हो और ये प्लस का हो, उस कंडीशन में भी, उस कंडीशन में भी ये चार्जेस अपनी ओर खींचेगा और ये चार्जेस अपनी ओर खींचेगा. यानी कि अनलाइक चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगती है उसको याद करने के लिए आप रखेंगे इनवर्ट फोर्सेस. सो इनवर्ट फोर्सेस वेयर एग्जिस्ट, सो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट द इनवर्ट फोर्सेस एंड लाइक चार्जेस ऑलवेज एग्जिस्ट द आउटवर्ड फोर्सेस. इसके लिए हमने कुछ कोट किया है फोर्सेस को. अब इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फोर्स, ये डायरेक्शन किस चार्ज के लगने वाले फोर्स का है और ये वाला, ये डायरेक्शन किस चार्ज से लगने वाले फोर्स का है. तो इसके लिए हम कुछ नोट याद रखेंगे यहां पे. नोट फर्स्ट, ये आपको नोट करते रहेंगे साथ में कि सपोज मैंने एफ वन टू लिखा. क्या लिखा? एफ वन टू, एफ मीन्स फोर्स, वन एंड टू. तो एफ वन टू मीन्स, अगर मैं ये वर्ड यूज करता हूं एफ वन टू, तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि फोर्स ऑन फर्स्ट, यानी कि जिस पे अप्लाई होगा उसको पहले लेंगे और जो अप्लाई करेगा उसको बाद में लेंगे. तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड मीन्स के एफ वन टू, राइट. अगर मैं एफ टू वन लिखता हूं तो इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट. सो हैव यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. तो यहां पर देखते हैं, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया है और रिपेल करने के लिए, रिपल्सन प्रोसेस है, यानी कि ये फोर्सेस है. अगर मैं इसको Q1 बोलूं और इसको मैं Q2 बोलूं, तो ये वाला इस पे फोर्स लगा रखा है, तो इस पे फोर्स लगा है तो इसकी डायरेक्शन किधर है, ये है, राइट. तो इधर अगर डायरेक्शन है तो हम इस फोर्स को, ये वाला चार्जेस ने इधर फोर्स लगाया है किस पे, फर्स्ट पे, कौन लगाया है, सेकेंड ने. तो कैन बी राइट, व्हाट कैन बी राइट, एफ वन टू, इट मीन्स के फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट. क्लियर. ओके अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई ये, तो फर्स्ट वाले ने सेकेंड पे फोर्स लगाया, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंड एफ टू वन. क्या बोलेंगे? एफ टू वन, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट चार्जेस. वी नो वेरी वेल कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या होता है? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है. सिमिलरली अगर ये Q1 होता और ये Q2 होता,
तो इसमें इसके ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स की डायरेक्शन को कोट करेंगे F12, विच मीन्स के द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अगर इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो हम इसको बोलेंगे फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। एक बात और याद रखेंगे, मोर फोर्स लीड टू डायरेक्शन, जो फोर्स ज्यादा होगा वही रिजल्टिंग डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। ओके, यहां पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अगर मैं इसको Q1 बोलता हूं और इसको Q2 बोलता हूं, इसको Q1 बोलता हूं और इसको Q2 बोलता हूं, राइट? तो इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया और किस रीजन से लगाया? खींचने के लिए, अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। कौन किसको खींच रहा है? Q2 को, Q1 अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि फोर्स लगा हुआ है लेकिन ये अपनी ओर खींचने के लिए लगा रहा है। तो इस वाले फोर्स को क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग, F21, विच मीन्स कि द फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। जैसा कि बताया जा चुका है कि ये इनवर्ट फोर्सेस है, यानी कि जो भी चार्जेस फोर्स लगाएगा वो अपनी ओर खींचने के लिए लगाएगा। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन किसका है? तो ये डायरेक्शन है इस फोर्स, इसने इस पे फोर्स लगाया है तो उसकी डायरेक्शन ये है इनवर्ट फोर्सेस, विच मीन्स के F12। क्लियर, समझ में आ चुका होगा? ओके, सिमिलरली व्हाट कैन बी राइट हियर, कि इसने F21, राइट, और ये कितना हो गया F12। मीनिंग क्लियर हो गया इसका? तो ये नए नए सिंबल से आपको आनी चाहिए क्लियर कॉन्सेप्ट में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सो थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, आप मानकर चलोगे कि चार्ज की सबसे छोटी यूनिट जिसमें लेन देन होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज टेकन एज, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटी यूनिट होती है चार्ज की, बट हम ये लेकर चलेंगे, इज इलेक्ट्रॉन, क्या मानकर चलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन मानकर चलेंगे। तो यहां कुछ चीजें याद रखनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। आई रिपीट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻³¹ किलोग्राम। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। इसी के साथ मैं दो तीन चीजें और लिख देता हूं, चार्ज ऑन प्रोटॉन ई पॉजिटिव, बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको पी प्लस लिखते हैं, डोंट वरी, मतलब वही है, +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। रिमेंबर ऑल थिंग्स, ऑल आई हेल्प यू फॉर द स्टडी ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो यू कैन नोट डाउन एंड देन वी विल स्टार्ट द फोर्थ बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? सो कम बैक आवर फोर्थ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि वी नो वेरी वेल कि द जस्ट लाइक दिस मटेरियल, सो दिस मटेरियल इज बेसिकली न्यूट्रल। आप देख सकते हो इसमें कोई भी चार्ज में एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में मैक्सिमम मटेरियल नॉर्मली बैलेंस्ड होती है, न्यूट्रल होती है, मींस के उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? मगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इस पर कितना चार्ज है, तो आप कहोगे इसका चार्ज जीरो है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। एक्चुअली इसका नेट चार्ज जीरो है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें प्रोटॉन भी है, इसमें बहुत सारे चार्ज है, लेकिन सभी चार्जेस का जब समेशन करते हैं तो टोटल, सो देयर नेट चार्ज विल बी जीरो। इफ द बॉडी इज न्यूट्रल, इट मींस इफ नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली बैलेंस्ड न्यूट्रल, दे डू नॉट कंटेन एनी चार्ज, विच मीन्स कि द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल। यानी कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी, याद रखेंगे न्यूट्रल बॉडी का कंडीशन क्या है, तो न्यूट्रल बॉडी से मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। तो इसका नेट चार्ज क्या होता है उस बॉडी पे? अगर नेट चार्ज जीरो है, सो देन वी कैन से द बॉडी इज न्यूट्रल। इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि उस पे चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसका नेट चार्ज जीरो है, उस पे चार्जेस बहुत सारे हैं, इस मटेरियल में बहुत सारे चार्जेस हैं, लेकिन इसका नेट चार्ज कितना है? जीरो है।
समझ आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जितनी भी अमाउंट होती है, नंबर्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई के सपोज कि ये मटेरियल है, राइट, जस्ट लाइक कि ये सोडियम है, क्या है बेटा, ये सोडियम, राइट। तो सोडियम में अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और अगर ये न्यूट्रल है, क्या ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है और 11 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में, जस्ट लाइक देयर कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो इसके पहले ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे में 1, यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे में कितना है, 1। तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो अगर मैं इसका नेट चार्ज निकालूं, टोटल चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन, सो दोनों में 11 क्या है, कॉमन है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्जेस होती है वो होती है -1.6 × 10⁻¹⁹, राइट, एंड प्रोटॉन पे जो चार्जेस होती है +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो क्यूटी 11 × 0, एंड यू नो वेरी वेल कि 0 मल्टीप्लाई एनी थिंग्स बिकम्स 0, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। समझ में आया ये। तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल बॉडी का सेंस ये है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। दिस इज अ फोर्थ बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कंडीशंस बनती है, नेक्स्ट बिहेवियर पे हम आएंगे। नेक्स्ट बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आई रिपीट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, राइट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इस विच मीन्स के किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा वो उसके अल्जेब्रिक सम होगा, क्या होगा उसका, अल्जेब्रिक सम, यानी कि अगर कोई चार्ज है, सपोज ये एक बॉडी है और यहां पे एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां पर एक चार्ज है -Q2, यहाँ एक चार्ज है -3, यहाँ एक चार्ज है +Q4, यहाँ एक चार्ज है -Q5। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अल्जेब्रिक सम ऑफ देयर साइन कन्वेंशन, देयर प्रॉपर साइन कन्वेंशन विद रेस्पेक्ट टू द चार्जेस। मतलब कि एक बॉडी पे टोटल चार्ज जो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कि अगर प्लस में है तो हम प्लस में लेंगे, माइनस में है तो हम माइनस में लेंगे, उसके प्लस माइनस के सेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, Q1 प्लस विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन -Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4 प्लस -Q5। दिस इज द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ द चार्जेस ऑन दैट बॉडी। सिंपली वी कैन राइट Q1 प्लस एंड माइनस -Q2 -Q3 प्लस Q4 एंड -Q5। दिस इज अल्जेब्रिक समेशन, यानी कि साइन कन्वेंशन को हम चेंज ना करके उसको जैसे जिस साइन कन्वेंशन में उस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, फाइंड द नेट चार्ज ऑन द गिवन बॉडी। किसी गिवन बॉडी पे अगर नेट चार्ज निकालनी है और वो बॉडी कुछ इस तरीके से है, क्या ये बॉडी, कि एक पॉइंट ये है जहां पे ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट है डी, और यहाँ पे जो चार्जेस है क्यू ए वो है 10 कूलम, इस पे जो चार्जेस है वो है -20 कूलम, यहाँ जो चार्जेस है वो है 30 कूलम
और यहाँ जो चार्जेस है वो क्यू डू माइनस 10 कूलम। अब इस बॉडी का नेट चार्ज हमें पता करनी है, तो इसका नेट चार्ज किस तरीके से होगा, यूनिवेरिएबल देयर साइन कन्वेंशन क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी प्लस क्यू डी विदाउट चेंज देयर साइन कन्वेंशन। आई रिपीट, विदाउट चेंज देयर साइन कन्वेंशन। सो क्यू ए इज 10 कूलम एंड क्यू बी इज माइनस 20 कूलम, क्यू सी इज प्लस 30 कूलम एंड क्यू डी इज माइनस 10 कूलम। सो व्हाट कैन बी राइट देयर, 10 प्लस 30 इज 40 एंड माइनस 30, सो व्हाट कैन बी राइट, 10 कूलम। इट मींस के इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा जो आपको दिखेगा वो कितना होगा, 10 कूलम होगा। हैव यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज यू कैन नोट डाउन एंड देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ द बॉडी। थैंक यू। So dear students, we'll discuss sixth behavior of electric charge, which is named by quantization of charge. And quantization of charge in which discuss ki how can transfer and what amount of transfer of charge किसी भी बॉडी से हम कितना चार्जेस का लेन देन किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। इस वर्ड को देखेंगे फिर से, क्वांटाइजेशन, क्या नाम है भाई, क्या है भाई, ये डर लग रहा है इसको देख के। क्वांटाइजेशन में दो वर्ड्स हैं, एक है क्वांटा और एक है जेशन। तो क्वांटा क्या बताएगा, क्वांटा का मींस होता है पैकेट्स और जेशन का मतलब होता है ट्रांसफर। तो किस चीज का ट्रांसफर होगा, तो इसमें चार्जेस का लेन देन जो होगा, चार्जेस का लेन देन होगा वो स्मॉलेस्ट पैकेट में होगा, इसमें होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज में। तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट का हमने क्या एज्यूम किया है, इलेक्ट्रॉन। और एक और रूल कि ये लेन देन एक पैकेट्स में होगा, पैकेट्स का मतलब आप मार्केट जाते हो तो करेंसी का लेन देन आप सबसे छोटी करेंसी किसमें करते हो, रुपीस में, रुपीस से कम में आप लेन देन नहीं कर सकते क्योंकि सबसे छोटी करेंसी हमारे लिए 1 रुपया है, तो रुपये से कम में नहीं जा सकते। वैसे ही चार्ज का लेन देन एक इलेक्ट्रॉन से कम में हम नहीं कर सकते, जस्ट लाइक 1/2 इलेक्ट्रॉन हम लेन देन नहीं ले सकते हैं। तो ये चार्ज Q का फॉर्मूला है Ne, जहां N किस चीज को बताएगा, तो एक पोल नंबर को बताएगा जिसकी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, तो N की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, 5/6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। सो इसमें और E बेटा यहां पर क्या है, तो E का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, राइट। अब हम इसमें समझेंगे कि सर ये प्लस और माइनस क्यों लिखा है, ये प्लस माइनस का सेंस क्या है, तो हम समझेंगे प्लस और माइनस को। तो Q यहां पर प्लस माइनस Ne है, इसका मतलब है कि चार्ज अगर किसी बॉडी पे है तो क्या है, चार्ज बॉडी है। क्या बेटा, चार्ज बॉडी, यानी कि हम अब किस बॉडी की बात करने वाले हैं, चार्ज बॉडी की हम बात करने वाले हैं, किसकी, चार्ज्ड बॉडी, राइट। याद रहे कि कभी भी किसी मटेरियल से हम प्रोटॉन का लेन देन नहीं कर सकते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। प्रोटॉन बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के साथ न्यूक्लियस में जुड़ा होता है जिसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कंडीशन कि अगर Q सिर्फ प्लस Ne आ जाए तो इसका सेंस क्या है, अगर Q यहां पर माइनस Ne आ जाए तो इसका सेंस क्या है। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, अगर प्लस Ne आता है इसका मतलब बॉडी पे नेट चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, उसको हम चार्ज बॉडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, न्यूट्रल बॉडी। आपको पहले बता चुका हूं न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और यहां पर क्या है, ये चार्ज बॉडी है, यानी कुछ ना कुछ चार्जेस है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल नहीं है, राइट। यानी कि इन दैट केस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो इन दैट केस कि इफ क्यू इक्वल टू प्लस Ne, व्हाट इज दिस मीनिंग, ओके, तो इट मींस कि इन दैट केस व्हेनेवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब प्रोटॉन की संख्या
नंबर्स इलेक्ट्रॉन से जब ज्यादा होता है तो उस पे नील चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर ये एक मटेरियल है जस्ट लाइक है सोडियम प्लस वन, इसका मतलब क्या है, प्लस का चार्जेस आ गया, इसका मतलब कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर 11 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 है, राइट, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11 है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अगर सम करते हैं तो यहाँ 11 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसके अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर क्यू टोटल को मैं ऐड करूं तो 11 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 11 प्रोटॉन को मैं 10 प्रोटॉन लिखना चाहता हूं, 10 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इसको ये वाला टर्म्स क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन का मतलब एक चार्ज जो कि यहाँ पर दिखा रहा है Na प्लस 1, यानी कि टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, राइट, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो रिमेम्बर व्हेनेवर द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव इट मींस कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सो व्हेनेवर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज निगेटिव, कैसे होगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उस कंडीशन में उस पर टोटल चार्ज कितना होता है, निगेटिवली होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया क्लोरीन माइनस वन, अब इसको हम देखेंगे और मान लो इसी पे निकालना है फाइंड द चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज ऑन क्लोरीन, क्लोरीन सीएल माइनस वन पे हम किस तरीके से चार्ज कोट करेंगे, राइट। ओके, तो क्लोरीन में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं होगा, 17 प्रोटॉन है, राइट, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां समझेंगे, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए कितना है, याद रखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा गौर से देखिए, 17 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था, बाहर से किसी से एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है और इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका नेट चार्ज, रिलेटिविटी ऑफ चार्ज से इसका नेट चार्ज अगर मैं निकालूं तो 17 प्रोटॉन प्लस 18 इलेक्ट्रॉन, याद रहे, अब मैं इसको 17 प्रोटॉन प्लस 17 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, आपको बताया कि ये इसको कैंसिल कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन के जितना चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पे उतना ही चार्ज माइनस का होता है, तो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, सो टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी 1 इलेक्ट्रॉन, विच मींस के −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो आई थिंक हैव यू क्लियर, हैव यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, यू क्लियर द टोटल चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। सो चार्ज बॉडी हैव टू केसेस, पॉजिटिवली एंड नेगेटिव, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, अगर कोई चार्ज पॉजिटिवली है इट मींस के द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिवली चार्ज है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। गुड डे स्टूडेंट्स, कम बैक आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज P7 प्रॉपर्टी 7 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वी टू डिस्कस चार्ज इज कंजर्वेटिव, मींस कि चार्ज के पास एक कंजर्व नेचर होता है, कि चार्ज को हम चूंकि एनर्जी का ही एक फॉर्मेट होता है इसलिए हम चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी कि चार्ज एक बॉडी से सिर्फ दूसरी बॉडी में भेजा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, या तो चार्ज का हम सिर्फ लेन देन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दो न्यूट्रल बॉडी ले लिया, दो क्या ले लिया, न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी के बारे में आपको मालूम है कि नेट चार्ज क्या होगा, उसका जीरो होगा पहले सिस्टम में,
तो मान के चलो कि ये एक इन्वायरमेंट है, क्या है ये इन्वायरमेंट, इसी को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि हम इससे बाहर नहीं जा रहे, राइट। इसके अंदर एक ग्लास रॉड है, क्या बोला ये ग्लास रॉड, ये न्यूट्रल बॉडी है, और दूसरा है सिल्क, दूसरा क्या है सिल्क है, और ये भी न्यूट्रल, तो ये क्या है दोनों ही न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि इस पे भी ग्लास रॉड को मैंने ए बोल दिया और सिल्क को मैंने बी बोल दिया, तो क्यू ए पे टोटल चार्ज जीरो है और क्यू बी पे यानी कि बी बॉडी पे टोटल चार्ज कितनी है जीरो है। तो रबिन से पहले इसका नेट चार्ज पहले सिस्टम का क्यू ए प्लस क्यू बी होगा, यानी कि जीरो प्लस जीरो विच बिकम्स जीरो। आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद इस सिस्टम में ध्यान रखेंगे इस पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज है जीरो, ये इसके अंदर है। आइसोलेटेड मतलब कि एनवायरनमेंट को हम ले सकते हैं, अपने स्पेस को भी ले सकते हैं। ओके, रबिंग के बाद ग्लास रॉड पे, आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड पे कुछ प्लस के चार्जेस डेवलप हो गए और सिल्क पे कुछ माइनस के चार्जेस डेवलप हो गए, राइट। ओके, ये है ग्लास रॉड और ये है सिल्क, और ये वही आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब इस पे यानी कि इस बॉडी पे ए एंड दैट इज बी आफ्टर रबिंग है, तो हमने कोट किया है क्यू ए डैश, तो इस पे चार्जेस हो गई 4p, 4 प्लस के चार्जेस, और यहां पर क्यू बी पे माइनस 4p या 4e और यहां पर माइनस 4e। ओके, अब इसका नेट चार्ज देखते हैं, तो इसका नेट चार्ज क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश, सो क्यू ए डैश इज 4e पॉजिटिव प्लस 4e नेगेटिव, वी कैन टेक द कॉमन एंड व्हाट कैन बी राइट 4p प्लस e। ओके, क्लियर ऑल थिंग्स, लुक हियर, सो नेट चार्ज सेकेंड सिस्टम का आफ्टर रनिंग सेकेंड सिस्टम, सो दैट इज 4 प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ओके, दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड नेट चार्ज इज 4 इंटू 0, सो टोटल चार्ज इज 0 एंड आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज भी जीरो है, पहले भी चार्जेस जीरो था अभी भी चार्जेस जीरो है, इसका मतलब कि हम चार्ज को जनरेट नहीं कर रहे हैं, जितनी चार्जेस पहले थी वही चार्जेस अभी भी है। इट मींस द टोटल चार्ज ऑन द गिवन फ्रेम is always conserved, right? Conserved or constant, यानी कि हम चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसका ट्रांसफर हो रही है। इट मीन्स के cannot either be created nor be destroyed, it can convert only one form to another form, right? Clear? ये questions बार बार बच्चों को आता है कि सर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज स्टडी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम चार्ज, हमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच मीन्स कि कितने इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम चार्ज को तैयार कर सकते हैं, राइट। सो वी नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थियरी वी नो दैट क्यू इक्वल्स टू एन ई। ओके, ऑलरेडी गिवन
कि Q इक्वल्स टू कितना हमने ले लिया, 1 कूलम, राइट। सो 1 कूलम अगर ले रहा हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिस इज आवर क्वेश्चन, राइट। ओके, सो n e इक्वल्स टू 1, सो n इक्वल्स टू 1 ऑफ 1 e, एंड वी नो वेरी वेल e मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, पॉइंट को यहां से रिमूव करें, पॉइंट को यहां से रिमूव करें तो ये यहां पे आ गया। ओके, सो n इक्वल्स टू 5 एंड 8, 5 ऑफ 1 8 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18 कैन बी राइट, 18 एंड 0 को मैंने यहां सेट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो ये हो गया 25 और ये हो गया 4, सो n इक्वल्स टू 25 बाई 4 इंटू 10 टू दी पावर 18 एंड 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा एंड 4 5 जा 20, सो n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, विच मींस के एक कूलम चार्ज में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, हैव क्लियर। सो याद रखेंगे कि एक कूलम चार्ज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल करके कितने कूलम चार्ज को तैयार करते हैं, 1 कूलम चार्ज को तैयार करते हैं। जल्दी इसको नोट करें फिर हम नेक्स्ट बिहेवियर को समझेंगे। Going to discuss next characteristics or properties of the electric charge or charging by inductions. It means कि हम किसी body को, किसी neutral body को किस तरीके से एक charge body में तब्दील कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, या किसी body को हम charge body बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने पीछे वाले topic में पढ़ चुके हैं कि अगर electron proton equal नहीं है तो इसका मतलब वो charge body है, right? तो इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से निकालने पड़ेंगे या कहीं से हमें इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज बॉडी हो जाएगी, राइट। अच्छा, इसके लिए हम कुछ रूल्स को समझेंगे कि फर्स्टली वी टेक अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर विच इज न्यूट्रल। क्या बेटा, ये एक न्यूट्रल है, अगर ये न्यूट्रल है, राइट, अगर ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, राइट। दिस योर नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज कितना हो गया इसका, जीरो हो गया। ओके, अगर नेट चार्ज जीरो है तो वी हैव टेकन 1 2 3 4, ये न्यूट्रल बॉडी हो गए, राइट। ओके, ब्रॉट नियर द पॉजिटिवली ग्लास रॉड, ब्रॉट नियर द पॉजिटिवली ग्लास रॉड, एक पॉजिटिवली हाई पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे, ठीक है, एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे। जब हम इसके पास ले आएंगे, राइट, जब इसके हम पास लाएंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज, हमें मालूम है कि टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल। तो हम फर्स्ट स्टेप में जब इसका हम पास लाते हैं, इस स्टेप को आप देख लीजिए, ओके, तो हम जब इसके पास लाएंगे तो ये सारे पॉजिटिवली चार्जेस को रिपेल करेगा, लेकिन इस सिस्टम से बाहर नहीं रह सकता, राइट, और नेगेटिवली चार्जेस को अपनी ओर खींच लेगा। ओके ओके, तो हमारे पास ये बॉडी के अंदर के स्फीयर्स के अंदर के जितने भी नेगेटिवली चार्जेस होंगे, राइट, जितने भी नेगेटिवली चार्जेस होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लस के चार्जेस क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट करके इधर ले आएगा और प्लस के चार्जेस को रिपेल करके कॉर्नर में भेज देगा, कुछ इस तरीके से, ये इंटरनल प्रोसेस है। ओके, उसके बाद इस स्फीयर को, स्फीयर एस को हम कनेक्ट कर लेंगे ग्राउंड से, किससे कनेक्ट करेंगे बेटा, हम इसको ग्राउंड से इसका कनेक्शंस करेंगे। अब ग्राउंड के पास आपको मालूम होनी चाहिए, ग्राउंड से जब इसका हम कनेक्शंस करेंगे तो ग्राउंड के पास टोटल पोटेंशियल कितना होता है, दो तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे, नोट कि पोटेंशियल जो अर्थ का होता है वो टोटल पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, पहली चीज। दूसरी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव
लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ये याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से कहां मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। ओके, सो हमें मालूम है कि ग्राउंड के पास टोटल चार्जेस, टोटल वोल्टेज कितनी है, जीरो है, राइट। ओके, इस पोर्शन के साथ हमने कनेक्ट किया है, तो यहां पे जो इस पोर्शन के अंदर पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल क्या होगा, मोर देन जीरो होगा ऑफिशियली। कुछ ना कुछ चार्जेस है तो मोर देन जीरो होगा। अच्छा, मोर देन जीरो है, विच मींस के ये हो गया लोअर पोटेंशियल, ये क्या हो गया बेटा, लोअर पोटेंशियल, ये क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, ये क्या हो गया बेटा, हायर, आई रिपीट, हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे और इस तरीके से इस बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे कुछ ऐसे। ओके, अब ये मूव करते करते इसके अंदर पहुंच गए, क्योंकि लोअर से हायर में गए, और आपको मालूम है कि जितनी चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे होती है माइनस की, ओके, उतनी ही चार्जेस प्रोटॉन पे होती है प्लस की, तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, टोटल चार्ज जीरो कूलम, दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और प्लस के चार्जेस को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल बनाते चलेंगे, और एक कंडीशन के बाद जब इसके सारे चार्जेस प्लस के रिमूव हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यहां से चार्जेस इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। ओके, जैसे ही होगा उसके बाद हम इसको थर्ड स्टेप को देख लेंगे कि मेटल स्फीयर को ग्राउंड के साथ, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा, उसके बाद थर्ड स्टेप में हम ग्राउंड कनेक्शंस को हटा देंगे कुछ टाइम के बाद, जब सारे पॉजिटिव चार्ज यहां से हट जाएंगे। सो नाउ रिमूव ब्रोक के ग्राउंड कनेक्शन को हम हटाएंगे यहां से, उसके बाद हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि यहां पर प्लस के चार्जेस हो गए और ये बॉडी हो गई और यहां पे माइनस के चार्जेस बचे, राइट। उसके बाद हम रिमूव द ग्लास रॉड को रिमूव करेंगे और इसको हटा देंगे। सो नाउ ऑब्टेन द स्फीयर, अब चूंकि ये हट चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यूनिफॉर्मली क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा इसके अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ इस तरीके से। अब ये चार्जेस, तो ये किस तरह की बॉडी बन गई, कंप्लीटली निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ऑब्टेन वी है। तो इस तरीके से हम एक बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को, एक चार्ज बॉडी, एक निगेटिव चार्ज बॉडी हम बना सकते हैं, और सिमिलरली हम इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बनाई जा सकते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बता रहा हूं इसका सेकेंड मीटर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड सेकेंड, जिसमें हम दो स्फीयर को लेंगे, दो न्यूट्रल स्फीयर को, और उस न्यूट्रल स्फीयर को हम किस तरीके से एक चार्ज्ड स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, हम इसके बारे में सीखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे CBSE में आए हुए हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से हम इसको एक चार्ज में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे स्टेप फर्स्ट में हम दो न्यूट्रल स्फीयर को लेंगे जिसका नेट चार्ज कितना होगा, जीरो। एक न्यूट्रल स्फीयर ले लिया हमने यहाँ पे S1 और दूसरा न्यूट्रल स्फीयर हमने ले लिया यहाँ पर S2, राइट। न्यूट्रल स्फीयर है विच मीन्स के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में इक्वल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ओके, सो हमने एक केस ले लिया कुछ इस तरीके से, ये हम देख नहीं सकते, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे चार्जेस है, ये दो आइडेंटिकल एक जैसे न्यूट्रल स्फीयर हमने ले लिया। ओके, अब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, कोई बात नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। स्फीयर फर्स्ट एंड स्फीयर सेकंड ब्रॉट नियर टू ईच अदर, देन वी हैव कुछ इस तरीके की सिचुएशंस मिलेंगी।
राइट। देन स्टेप थर्ड, डॉट नियर द हाईली पॉजिटिवली ग्लास रॉड, तो इसके पास कहीं बाहर से एक हाईली पॉजिटिवली ग्लास रॉड को इसके पास ले आएंगे। तो जैसे ही इसके पास लाएंगे, स्फीयर फर्स्ट और स्फीयर सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम इसके पास एक ग्लास रॉड को लाएंगे जो कि हाईली पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, जिसके पास प्लस के चार्जेस है, जिसके पास क्या है, प्लस के चार्जेस है, तो हम क्या देखेंगे कि सारे माइनस वाले चार्जेस को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, तो दोनों मिलकर के एक कंडक्टर की तरह, एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, तो सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे कुछ ऐसे, और सारे पॉजिटिव चार्ज इस सिस्टम के दूसरी ओर जहां तक जा सकते हैं चले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। अब इसके बाद स्टेप फोर में without removing the charge rod, remove the sphere is to, बिना इसको हटाए हम इस स्फीयर सेकेंड को हटाएंगे, तो ये सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी आएगी। अब उसके बाद जब ये सिस्टम से बाहर हो चुका है और ये कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन चुका है, चार्ज्ड बॉडी, ओके। देन लास्ट स्टेप, स्टेप फाइव, रिमूव द चार्ज्ड रॉड, चार्ज रॉड को अब हटा देंगे तो हमारे पास ऑप्टेन होगा S1, जिस पर हम देखेंगे कि सब यूनिफॉर्मली क्या होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और S2 के अंदर भी हम देख सकते हैं कि S1, S2 दोनों ही चार्ज बॉडी बन चुकी है, राइट। इस तरीके से हम दो अनचार्ज बॉडी को, अनचार्ज मेटल को लेकर के हम उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करें इसे, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट बिहेवियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक चार्ज की, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले हैं P9, लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये है कि किसी मटेरियल, किसी वायर में, किसी कंडक्टर के एक मीटर लेंथ में कितने चार्जेस एग्जिस्ट कर सकता है। इट मींस के द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा, ओके। सो लैम्डा इक्वल्स टू फॉर्मूला Q upon L. Here Q is charge, L is length, right? Their unit coulomb per meter, dimension ETL-1. Okay, this is the unit. Have you clear this concept? Okay. नेक्स्ट समझते हैं इसके बारे में। ये चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे
एक रॉड हमने अज्यूम किया जिसकी लेंथ है 40 मीटर राइट, और इस रॉड का जो नेट चार्ज है वो है 80 कूलम, कितनी है बेटा 80 कूलम राइट ओके। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा इज क्वेश्चन मार्क ओके। सो हियर लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, हियर क्यू इज 80 एंड 40 कूलम मीटर, सो दैट इज 2, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 कूलम पर मीटर, विच मींस के इसके 1 मीटर लेंथ में 2 कूलम चार्ज क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इस वायर के, यानी कि इसके 2 मीटर के लेंथ में जो इसका चार्ज मिलेगा वो चार्ज कितना मिलेगा, 2 कूलम का चार्ज हमें मिल जाएगा, ये इसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट P9, सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी ओके, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, किसे डिनोट करेंगे हम लोग इसे, सिग्मा से, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, हियर क्यू इज चार्ज एंड ए इज एरिया, देयर यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन ATL-2 राइट, दिस इज द P9 प्रॉपर्टीज ओके। नेक्स्ट P10 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इट इज डिनोटेड बाय रो, रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, हियर क्यू इज चार्ज एंड वी इज वॉल्यूम, यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, डायमेंशन ATL-3 ओके, लेट्स गो नोट डाउन। सो क्लास डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे आपके एग्जाम में कि इस तरीके से कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक बकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रखे हुए हैं, समझना कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता नहीं कितना है, एक है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। जब हमने बाहर से इसको वेट किया है तो इसका मास जो हमें मिला है इस पूरे सिस्टम का जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं उसका मास कितना है, 75 केजी राइट। तो हमें मालूम करनी है कि इस बकेट का मास अगर इतना है तो इसका चार्ज कितना, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका चार्ज कितना ओके। तो चार्ज को अगर समझनी है तो हमें एक थियरी है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
कि अगर इस पे हमें चार्ज मालूम करना है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, राइट। माइनस लगाने का सेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चूंकि है तो टोटल चार्ज इसका कैसा होगा, निगेटिवली होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। ओके, तो एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, सो आइडेंटिकल मास है। कितना मास है बेटा, आइडेंटिकल मास, आइडेंटिकल मास है, और आइडेंटिकल मास फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको मैंने क्या बोल दिया, एमपी। ओके, हमें ये नहीं मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हमने बोल दिया इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज्यूम कर लिया स्मॉल एन। ओके, और हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, Me 9.1 × 10⁻³⁻¹ किलोग्राम। इस तरह के पैकेट्स में एग्जांपल के तौर पे एक बकेट के अंदर पांच बॉल है और पांचों बॉल 2-2 kg के हैं, तो पूरे बकेट का टोटल मास अगर 10 kg है और पांच बॉल है तो हर बॉल का मास कितना होगा, 2 kg। आपने क्या किया, टोटल मास को नंबर से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, राइट। ओके, वैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा उसका मल्टीप्लायर ही बन करके ही आया होगा, राइट। ओके, तो ये किसके बराबर हो गया होगा, टोटल मास के, टोटल मास। अब टोटल मास हमारे पास कितना है, तो टोटल मास हमारे पास है 75, तो एन यहां से कितना है, 75/ME। ओके, राइट। अब यहां पे एन इक्वल्स टू 75 एंड 9.11 × 10⁻³⁻ किलोग्राम। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट को यहां से रिमूव करें तो ये कितना हो गया, 750/91 × 10⁻³⁻¹, राइट। ओके, अब ये हमारे पास आ चुका है, हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो आफ्टर सॉल्विंग इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास मिल सकती है, 8.3 × 10⁻³⁻¹। तो ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया, यानी इस बकेट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इतने होंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था चार्ज का, सो माइनस एन ई इन द प्लेस ऑफ एन व्हाट कैन बी राइट, 8.3 × 10⁻³⁻¹ एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इस तरीके से हम इसका टोटल चार्ज निकाल सकते। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से हम क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं।